हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजह। तो यार, गाड़ी ने तो सबको मार दिया है टार्जन मूवी में। आज हम लेकर आ गए हैं टार्जन मूवी का क्लाइमेक्स सीन। और क्लाइमेक्स की बड़ी डिमांड हो रही है, लोग कह रहे हैं क्लाइमेक्स देखो इसका, भाई तब सब साहब पता चलेगा। आज इनका इंद और भिन का भिन सामने आ जाएगा भाई साहब। तो वॉच करते हैं, देखते हैं भाई टार्जन मूवी का क्लाइमेक्स सीन। तो कौन करते हैं स्टार्ट? टार्जन कैसे हुआ ये? बट टार्जन की तो मार किसने नहीं किया? लेकिन हुआ कैसे? ये तो गाड़ी खुद मारती थी। आज जब मैंने सुना कि पापा है। ने तुम्हें टार्जन के साथ पहाड़ी से गिरा दिया है, मैं तो शॉक रह गई। पहाड़ी से? मतलब ये सब तुम्हारे पापा ने किया? ओ, उसके पापा ने। अबे ये तो वही है ना मैंने किया। जो अजय देवगन को मारने में भी था। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? पहले मेरे साथियों को मारा, अब मेरी जान लेना चाहता है? अंकल मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तुझे उसी तरह मारूंगा जिस तरह तेरे बाप को डुबो कर मारा था। गलत किया, उसके आस पास इस बेचारे के तो हाथ बांध दिए। वही तो। अबे ओ ओ ओ दादी मार खा में दे दिया। वाह, वो गाड़ी फिर से बंद रही है। ओ ये कैसे? बच्चे की जान नहीं कर क्या? अबे कोई रोशनी, अबे कोई लाइट अंदर गई है खुर्रम। ये किधर से लगता है? अजी की आत्मा की गाड़ी में। ओ गाड़ी मार दी थी यार, तभी गाड़ी में कोई नजर नहीं आ रहा था। ये अजी होता था अंदर, इसको जिसने मारा था उसी को मार रहा था। अभी यानी कि इसकी आत्मा यानी कि अजी की खुद। आत्मा चलाती है तो कुछ भी हो सकते हैं। निकाल कर ले उनको, तो देखा बांध दिया ये आत्मा इसकी भी आवाज इसकी तो कहो का मैंने तो गाड़ी थी। गाड़ी ये तो टूट गई थी, ये यहाँ कैसे? इम्पॉसिबल। उत्तर अब खैर मना बात अबे यार मत सीन है यार, ऐसा भरना आए आए
पानी में गिरे इसको डुबो के मार दिया। सीढ़ के बाहर फेंका। शुक्र है यार बचा लिया इस टाइम पे। अबे राज को देख, राज को देख। ये भी सोच रहा होगा कि गाड़ी कैसे मुझे बचा सकती है। नहीं ओ, ओ लगता ये अपने बाप को देख पा रही है। हाँ। उसकी आत्मा को सो रही। हाँ मतलब अपने पिता को ही देख रहा है। हाँ पापा अबे देख पा रही है। यानी कि नजर आ गया फाइनली। आप पापा जी को ये कह रहे हैं लगते नजर आ रही है। लगते नजर आ रही दादी। अबे वो आ गए गुलशन ग्रोवर जी भी यहाँ से आ रहे हैं। मेरे ख्याल से सबको नजर आ रहा है। हाँ 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 इधर ना गुलशन ग्रोवर जी इन्हें लगता है सब अपने दर्शन दिए क्योंकि यार ये गाड़ी मारती रही है ना सब। मुझे माफ कर दो डेविड, मुझ पे रहम करो प्लीज। अच्छा तूने मुझ पे रहम किया था। तुझे एहसास हुआ था कि मेरे बाद मेरी माँ और मेरे बेटे का क्या होगा। सही बात है। कैसा मारा था जालमों ने। 12 साल मेरी आत्मा तुझे और तेरे साथियों को जिंदा देखकर तड़पती रही। शायद ये मेरी माँ का आशीर्वाद था जो मेरे बेटे ने मेरी कार को तुम लोगों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। ओ, कार बनी उसके बाद इन चारों के अंदर खत्म कर सकता था। टार्जन लगी हुई है जहां तू मेरे बेटे को डुबो रहा था, लेकिन मुझे अपने बेटे को बेकसूर साबित करना था। जो गाड़ी पुलिस तक लेकर आया। मैं कबूल करता हूँ सबके सामने कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने और मेरे साथियों ने तुम्हारी कार की डिजाइन चोरी कर ली थी और तुमको धोखे से मार दिया। इंस्पेक्टर साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज प्लीज। मिस्टर कपूर इसे कहते हैं कुदरत का कुदरत जब बदला लेने पे इंसान गुनाह कर उस पर पर्दा डाल देता है मगर कुदरत सारे पर्दे उठा देती है। क्योंकि वरना सारे इल्जाम राज पे लग रहे थे कि वो कत्ल कर रहा है। सारे छक ही जा रहे थे। मुझे तो यकीन हो गया था बेटी कि तेरे साथ जरूर कोई अपशगुन हुआ है। माँ है ना यारा। वरना इस दुनिया में ऐसी कोई दुनिया नहीं। माँ का तो दिल भी जहाँ बच्चा जाकर अपनी माँ को भूल जाए। जब किसी बच्चे के सामने उसकी माँ की मौत होती है तो वो माँ तो जी उठती है, लेकिन जब माँ के सामने उसके बच्चे की मौत हो जाए तो वो तो मर जाती है। वाकई क्या वो बेटा बदनसीब नहीं है जिसे अपनी माँ और बच्चे को रोते और बेहाल छोड़कर जाना पड़ा। देखो मरने के बाद भी आंखें खुली हैं और देखो ना मरते वक्त ये तुम्हें और राज को देखना चाहती थी। ओ लेकिन ना तो ये तुम लोगों को देख पाई और ना ही इन्हें बंद करने के लिए तुम्हारा हाथ इन पलकों पर आया। अगर पुनर्जन्म होता है ना मां तो फिर से तुम्हारा बेटा बन के पैदा होए होए तेना ऐसी माँ। आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। चला तुम्हें 12 साल पहले गया था। दिल पे लगा ये तो तुम थे जो दोबारा मुझे अपनी और माँ के पास ले आए। जोड़ के गाड़ी जा। मुझे दुख है कि तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन खुशी है कि तुमने मुझसे भी अच्छी गाड़ी बनाई। वाकई जबरदस्त बनाई है। और हाँ अगली बार जब तुम प्रिया को ड्राइव पर लेकर जाओ तो स्टेरिंग पर से हाथ मत हटाना। वो भाई साहब ये सारी गाड़ी माड़ी जो कत्ल हो रहे थे वो अजय की आत्मा कर रही थी। हाँ यार वही और तू बात देख जब वो स्टेरिंग चला रहा था तो भाई जो अंदर के वो ये जो कर रहे थे बाप उसका तभी तो बोलते देख। लेकिन
बकाया बातें अब साइड पर करते हैं। अजय जय अजय देवगन जी की आत्मा इस गाड़ी में थी, यानी राज के बाप की आत्मा। आज भाई साहब ये फंडा क्लियर हुआ कि गाड़ी कौन चला रहा है, गाड़ी अजय देवगन जी चला रहे हैं। भाई भाई इन्होंने गाड़ी कहता ना तूने बना के मुझे एक नई जान, यानी कि वो गाड़ी बनी उसके बाद इनकी आत्मा वही ना 12 साल तक एक ही आत्मा तड़पती रही है। तब भी हम बोलेंगे जिस तरह गाड़ी मार रही है उनको, ऐसा मार रही है कि भाई उनको कहीं का छोड़ ही नहीं रही, किसी फालतू बंदे को मार भी नहीं रही। बच्चा आ जाए, कोई रश आ जाए तो वहाँ रुक जाती है। भाई मार रही है तो ये तो हम समझ गए थे कि यार ये मार रही है जिसको अजय ने जिन जिनको कत्ल किया ये सिर्फ उन्हीं को ही मार रही है। भाई अंदर से बीच में अजय देवगन जी की भाई साहब ये भाई इनको मारा भी तो कितना बेदर्दी सा, उनकी आत्मा इन सबसे बदला ले और अगर बदला ना लेती तो आज ये इंसाफ ना मिलता इनको। लेकिन वही कहते हैं ना कुदरत का निजाम है भाई। भाई तो 12 साल तक आत्मा भटकती रही है, लेकिन 12 साल बाद वो कहते हैं एक ना एक ऐसा दिन आता है कि जब भाई साहब बदले की घड़ी आ जाती है। और देखना ये सामने आए, सबके सामने आए और उसने अपना गुनाह कबूल भी किया। इंस्पेक्टर मैंने मारा है भाई, पता है ना आत्मा मार देगी। अब भाई समुन्दर के अंदर जब इसके बेटे को मार रहा था वो अजय देवगन जिस तरह आया और भाई साहब समुन्दर से अपने बेटे को निकाला, वो लेवल वाला सीन था यार। जो पानी पे गाड़ी चल रही थी वो भी सीन बड़ा मस्त था यार, पानी के ऊपर गाड़ी यार कसम से। और ये भाग रहा था, इसको एक ही फंडा मारा ना तो सीधा पानी में आना पत्थर। भाई वही तो यार कसम से सारे भाई साहब वो क्लियर हो गया, बड़ा सस्पेंस बीच में बना हुआ था। गाड़ी चला कौन है बीच में, ये मजा आया भाई देखा यार, मजा आ गया क्लाइमेक्स का। इधर ही वीडियो खत्म करते तो